रेडिको खेतान फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत। रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गोविंद कॉलोनी निवासी नीरज अनुरागी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंद कॉलोनी निवासी नीरज अनुरागी रामपुर की रेडिको खेतान फैक्ट्री में लगभग 30 वर्ष से जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। बीती रात नीरज अनुरागी रेडिको खेतान फैक्ट्री के गेट पर ड्यूटी करके जा रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार कार ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे बुरी तरह लहूलुहान हो गए। जमा हुई भीड़ ने उन्हें आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर सही उपचार न मिलने के कारण उन्हें मुरादाबाद के कॉस्मोस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही नीरज अनुरागी ने दम तोड़ दिया। गंभीर चोटें आई थी और मौजूदा पे पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था, गाड़ी समेत। पुलिस कस्टडी में इस टाइम गाड़ी है और सिर्फ एक जना है जो उस गाड़ी को चला रहा था, बाकी 3 जने उस कस्टडी से बाहर हैं। अच्छा, तो ये कहाँ ड्यूटी करते थे? पापा मेरे रेडिको खेतान में ड्यूटी करते थे। कितने समय से ड्यूटी करते थे? लगभग 30 साल से कर रहे थे। तो इस मामले की जो है पुलिस को तहरीर दे दी गई है, एक जना हिरासत में है। अच्छा, तो यहाँ जब जख्मी हो गए थे तो कहाँ लेकर गए थे उनको? वहाँ काफ़ी देर सड़क पर रहे थे, यहाँ वहाँ से एम्बुलेंस बुलाई गई फैक्ट्री की, एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम फर्स्ट एड भी नहीं दिया गया ना यहाँ पर। फर्स्ट एड में भी बहुत दिक्कत हुई, विदाउट फर्स्ट एड दिए हुए उनको कॉस्मोस के लिए रेफ़र कर दिया, जिसमें द्वारा बहुत ब्लीडिंग हुई और रास्ते में ही उनकी नस खो गई, वहाँ जाके उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आपने जो इस मामले की तहरीर तो दे दी है। तहरीर दे दी है।